क्या जितना अगर हमने अपना आइडिया लगाया है, एग्जाम जो है वो जुलाई या अगस्त में ही होगा, उससे पहले होने के चांसेस लग रहे हैं जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हैं एडमिशंस ले रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता ना कि पेपर होना होता जून में, तो आई थिंक इस टाइम तक एडमिशन बंद हो जाते हैं, बट स्टूडेंट्स वही है कि अभी तक भी एडमिशन चल ही रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि पेपर जुलाई से पहले होगा। बाकी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा, मुझे ऐसे लगता है। मैं भी देखो बताती हूँ, तो दैट इज जस्ट एक हम भी अपने तरफ से आइडिया ही लगाते हैं, पता तो किसी को भी नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन पता चलेगा, बट अपना टारगेट एक सेट करके चलना जुलाई का। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, सभी लीव कर रहे हैं। हाँ लीव कर रहे हैं सभी, वो दो लिंक थे सभी ना, दूसरे आधे दूसरे जाने लिंक में ही दूसरे गए लिंक पे हैं वहीं हैं। पे। का लिंक डिलीट करते एक मिनट, पर मैं तो डिलीट कर। स्टार्ट करें हम क्लास। ओके तो एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम के बारे में कुछ भी ऐसे श्योरिटी से तो नहीं बोला जा सकता है, बट जून जुलाई से पहले होने के चांसेस कम है। जुलाई में होगा या उसके बाद ही होगा, जून में तो नहीं होगा। ओके सो इन द लास्ट लेक्चर में वी डिस्कसिंग सॉल्यूशंस। किसी को कल की क्लास में कोई डाउट, एक तो स्टार्ट करते हैं। बस आगे बढ़ना, थोड़ा सा टॉपिक रहता है, उसके बाद हमें इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा टारगेट ये है कि 1 घंटे में मैं आपको करवा दूँ सॉल्यूशंस। उसके बाद एक जो घंटा बचेगा उसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, अगर आज टाइम मिला मुझे तो मैं बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट डिस्कस कराऊंगी, जहाँ पे हमें क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो सब डिस्कस करना है। बिकॉज वो ऐसा है कि लिंक तो है नहीं है किसी से, वो हो जाएगा बाद में। फिर वो फॉर मॉडल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट वीक में फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फोकस हमारा सॉल्यूशंस पे है। जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है। ओके सो वी हैव डिस्कस सॉल्यूशंस। कल हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट कर दिया था। अब हमारे पास, मैम अरे माइक जिसका ऑन है, निधि यू हैव एनी मैम डाउट। जी आज आपने जो एग्जांपल भेजी थी आज ग्रुप में, तो उनको मैम याद करने का कोई मेथड है? क्योंकि ऐसे को को याद करने का मेरे को, या तो आई विल चेक वंस कि हाँ उसके कुछ अगर रिलेशन बन रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि उसको याद, पर याद करने का मेथड तो आई डोंट थिंक होगा। बट वो पेपर में आ हुआ, मैं ये भी आपको बता दूं कि वो पेपर में आ हुआ, अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ हुआ था कि बेंजीन और टोलुइन किस टाइप का डेविएशन शो कर रहा है, तो याद रखने का मैं तेज हूं। एक बार बना चेक कर लूंगी, अगर कुछ मेथड मुझे बनता हुआ दिखा तो आई विल टेल यू। अभी तक क्योंकि के मैम लिए तो मैं, कॉम्बिनेशन याद नहीं रहता भी, कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन में किसके साथ शो करेगा। ओके चलो ठीक है, ये मेरा होमवर्क रहा है, इसको मैं ठीक है मैं याद रखूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कुछ। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कुछ। ठीक है अगर मैं भूल जाऊँ, मेरे को एक जस्ट मैसेज कर देना, चाहे अभी कर दो, एक रिमाइंडर सा मेरे को भी रहेगा अगर मैसेज होता है ना, तो मैं उसको कुछ निमोनिक्स वगैरह बना के आपको बता दूंगी। मैम और हांजी मनप्रीत, कुछ है डाउट आपको? यू रेज्ड योर हैंड, डाउट है कुछ? चलो ओके नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कसिंग सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों डिस्कस कर ली थी। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा दैट इज टू कैलकुलेट द एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल मोलर मासेस। देखो अब क्या है, अभी तक हमने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि कल हम हर टॉपिक पे ये चीज लेके चल रहे थे। देखो इसको ध्यान से सुनना पहले, एक बार मेरे को कंप्लीट करने देना, उसके बाद इफ यू विल हैव एनी डाउट्स देन वी विल डिस्कस। 5-10 मिनट का टॉपिक है, मैं पूरा करवा दूंगी। कोई डाउट होगा तो चाहे बीच में भी पूछ लेना, बट ऐसे मान के चलना कि इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। बिकॉज अगर इन्होंने इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें से आपका एबनॉर्मल मोलर मास प्लस आपकी कोई एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी चेक हो जाएगी। तो ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एबनॉर्मल मोलर मास। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम एबनॉर्मल मोलर मास,
कल की जो हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ के हमें ये पता चला कि आउट ऑफ फ्रॉम ऑल द फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट. चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं. अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, कल मैंने आपको बताया था कि दिस इज जस्ट जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस है, वो फिनोमिना खुद से हो रहा है. तो हमने ना अपने मेथड की वैलिडेशन को चेक करने के लिए कि हमारा उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि हमारा जो मेथड है वो एक्यूरेट है भी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए व्हाट वी डिड, हमने एक नॉन सब्सटेंस लिया. जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज अब मुझे पता है कि क्या होता है, वो होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास होता है 180. ग्लूकोज के साथ मैंने वो सारा फिनोमिना कैरी आउट करवाया, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला. ठीक है, सारी चीजें मुझे पता थी, ऑस्मोटिक प्रेशर पता था, आर पता, टी पता, सब पता मुझे. वहां से मैंने उसका मोलर मास निकाला तो 180 के आसपास आ गया, 179 पॉइंट समथिंग आ गया या 180 पॉइंट समथिंग आ गया. तो इसका मतलब मुझे पता भी था कि मोलर मास इतना है थ्योरेटिकली. ठीक है, और जब मैंने एक्सपेरिमेंटली उसको करवाया तो एक्सपेरिमेंटली भी मेरा मोलर मास इतना आ गया. तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता चला कि जो मेथड मैं यूज कर रही थी बिल्कुल सही मेथड यूज कर रही थी, बिकॉज उसका मास जितना होना चाहिए था उतना ही आ रहा है. लेकिन जब हम बात करते हैं, दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक इन नेचर. नॉन इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है कि इसके आयंस जो है वो नहीं बनते. नॉन इलेक्ट्रोलिटिक वो सब्सटेंस होता है जिसके आयंस नहीं बनते. अब अगर जिसके आयंस नहीं बनेंगे उसके लिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल सही रहेगा, उस पर कोई भी गलती नहीं आएगी. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे कि NaCl है, जैसे कि KCl है, Ca3PO4 twice है. ठीक है, बहुत सारे केसेस है, जैसे ZnCl2 है. We have different cases here. अब इन cases में, इन सब cases में क्या हो जाने वाला है, जब मैं इन सब के, इनकी qualitative properties को discuss करूंगी, तो इनकी, जब मैं इन सब की qualitative properties को discuss करूंगी, तो qualitative properties से जब मैंने molar mass निकाला, तो इनका जो molar mass है, आना इसका कितना चाहिए था, 58.5, लेकिन नहीं आ रहा. तो यहाँ से क्या होता है, फिर ये माना गया, देखो पहले तो मेथड बनाया, फिर उससे मोलर मास निकाला, यहाँ सही आ गया, तो ये दिमाग चो, हाँ ठीक है, हम मेथड सही अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हुआ, जब NaCl की बात होती है तो NaCl dissociates into Na positive plus Cl negative, KCl dissociates into K positive plus Cl negative, this dissociate into 3Ca2 positive plus PO4 3 negative. लेकिन जब उसको मैंने वॉटर में डाला या सोल्यूशन में डाला तो उसकी डिसोसिएशन हो. अब आपको दिख रहा है कि हम तो एक मान के चल रहे थे लेकिन दो हो गए, जो मोल्स है वो डबल हो गए. यहाँ पे हम एक मान के चल रहे थे, कहाँ मेरे को 5 मिल गए. यहाँ पे हम एक मान के चल रहे थे, कहाँ मुझे 3 मिल गए. सो जो आयंस है मेरे पास वो हमारे पास डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गए. जो आयंस है हमारे पास वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स इतने ज्यादा हो चुके हैं. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, अगर ये मतलब इतना ज्यादा इनका जो नंबर हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ आयंस या मोल्स वो बढ़ रहे हैं. तो वो बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी. तो हमने तो अभी तक ये फैक्टर कंसीडर किया ही नहीं था. तो यहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि मान लो मेरे को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज CRT, लेकिन ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, लेकिन इस फॉर्मूला से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो गलती है कुछ ना कुछ. फिर वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि वैसे तो आयंस डिसोसिएट होते हैं, हमने डिसोसिएशन वाला कांसेप्ट तो लिया नहीं. जहां तो डिसोसिएट नहीं हो रहे वहां तो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहे हैं, जहां पे डिसोसिएशन हो रही है वहां पे हमारे पास रिजल्ट गलत आ रहे हैं. इसका मतलब हमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा. डिसोसिएशन हो रही है तो भी, जहां पे एसोसिएशन हो रही है, आपको पता है जैसे C6H5OH होता है, ये जो है हमारे पास, That, ये इसकी एसोसिएशन हो जाती है,
ये हमारे पास दो जो हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन करके रहते हैं, तो डिसोसिएशन भी होती है, एसोसिएशन भी होती है, तो उन केसेस में नंबर ऑफ आइंस जैसे यहाँ पे डबल हो गए, वहां पे हाफ हो जाएंगे, तो वो भी एक रोल प्ले करेगा। तो पेपर में जब भी आपने क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करके आपको पता चलेगा कि ये तो सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, तो आपने आंखें खोल के ध्यान से देख लेना है कि ग्लूकोज दिया हुआ है तो आप अपना वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर ये कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया हुआ है जो डिसोसिएशन में, क्वेश्चंस करा हुए, डोंट वरी, हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे, आपको खुद से ही जज करना है कि डिसोसिएशन होगा या नहीं। जहां पे डिसोसिएशन होगा वहां पे आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे क्या, वी विल अप्लाई वेंट होफ फैक्टर। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कांसेप्ट दैट इज वेंट होफ फैक्टर। इसमें कुछ नहीं लिखना मोलर मास में, एबनॉर्मल मोलर मास में, एबनॉर्मल मोलर मास में आप यही लिख सकते हो कि आप चलो लिख लो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स the dissociation of molecules take place as a result the actual molar mass and observed molar mass are different, the phenomena of change in molar masses due to association or dissociation भी मैंने बीच में ही लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, due to association or dissociation is known as, या फिर ऐसे लिखो, the tendency to the change in molar mass due to, हाँ ऐसे लिखो बस, phenomena रहने दो, because this is not a phenomena, the change in molar mass due to association or dissociation is known as, या ऐसे लिखो, the new molar mass, the observed लिख लेना, the observed molar mass due to association or dissociation is known as abnormal molar mass. ठीक है, तो जो उसका molar mass होना चाहिए था, बस ज़्यादा देखो इसमें से कोई languages बन के question नहीं आने वाले paper में, आपको ना यहाँ पे concept clear होना जरूरी है ताकि आप numerical में वो चीज apply कर पाओ। तो अभी तक मैंने जो आज के lecture में concept समझाया वो यही concept है कि जब हम electrolytes लेते हैं तो उनकी dissociation हो जाती है, और अगर उनकी डिसोसिएशन होगी तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो टूट जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ जाएंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे, तो उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो वो चेंज हमने निकालना कैसे है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय वेंट होफ फैक्टर, इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास, मैंने इसको आई नोट करना है आयोटा से, ठीक ही बात है, आई लिख लो आयोटा लिख लो, दोनों सेम ही तो होते हैं, डिफरेंस क्या दोनों में, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या आप लिख सकते हो आयोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स after dissociation divide by number of moles before dissociation, या फिर आप लिख सकते हो number of ions after dissociation, अच्छा dissociation के साथ यहाँ association भी लिख लेगा क्योंकि हम सिर्फ dissociation का case थोड़ी लेंगे, number of ions after dissociation or association divide by number of ions before dissociation association, ठीक है, here so this is the concept here,
यहाँ पे अभी अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा हमने, निकालना कैसे है मैं आपको काफी सारे केसेस करके बताती हूँ। जैसे NaCl की बात है, NaCl will dissociate as Na positive plus Cl negative. तो जो उसके नंबर ऑफ आयंस, अगर मैं मान लू 100% डिसोसिएशन हो रही है, तो आफ्टर डिसोसिएशन उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? दो, और बिफोर डिसोसिएशन एक। आफ्टर डिसोसिएशन दो है ना, और बिफोर डिसोसिएशन कितने? एक। सो दैट विल बी टू। ठीक है, तो आयोटा उस केस में कितना आ जाएगा? टू। KCl के केस में भी डिसोसिएट होने के बाद दो, और ये लिखना इफ देयर इज 100% डिसोसिएशन, अगर गिवन होगा या फिर अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो भी हम 100% डिसोसिएशन मान लेते हैं। अगर 100% डिसोसिएशन मानी गिवन होगी या कुछ भी गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? NaCl, एक्सक्यूज मी मैम, मैम यहां पे बाई डायरेक्शनल एरो लगेगा कि यूनिडायरेक्शनल? यहां पे हां, इसमें तो वैसे जो हमारे पास इसका डिसोसिएशन होता है ना स्ट्रांग का भी, ये वैसे आता तो हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम में मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम का ही साइन आता है इनके बीच में। ठीक है, ओके, सो ये हम वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे, बट जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन होती है दैट ऑलवेज अटेन एन इक्विलिब्रियम। ZnCl2 में क्या आएगा? ZnCl2 will dissociate as Zn2 positive plus 2Cl negative. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? After dissociation there will be 3 and before dissociation 1. तो iota कितना आ गया? Iota आ गया 3. ठीक है? ये कौन सा केस है? ये वो केस है जब 100% dissociation हो रही है। 100% dissociation का मतलब क्या है? कि जब हमारे पास, अगर मान लो 1000 moles of NaCl are there, तो 1000 के 1000 जो, अगर 1000 molecules है, 1000 के 1000 जो है Na positive Cl negative में टूट रहे, तो यहाँ पे लिख लेना, अगर given होगा तो obviously 100% dissociation लोगे, अगर given नहीं होगा तो हमें फिर क्या, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम उसको 100, कुछ भी given नहीं होगा, अगर 80% 70% है वो मैं अभी करवाऊंगी कैसे करना है, लेकिन अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा तो उस केस में आप क्या लिखोगे? उस केस में यू विल राइट डाउन कि मतलब इफ नथिंग इज गिवन देन यू विल टेक 100% डिसोसिएशन। अगर 60 70 80 गिवन है देन ऑब्वियसली आप बंद हो। ठीक है, तो 100% डिसोसिएशन के केस में इसका आयोटा बताओ कितना आएगा? व्हाट इज द आयोटा फॉर दिस इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन? 5। इसके किसके लिए? मैम 3/, मैम ऊपर वाले के लिए 3/1 नहीं आएगा? 4। किसके लिए? Ca3PO42 वाले के लिए, कैल्शियम का Ca3 कैल्शियम आएगा ना? हां जी, 3 कैल्शियम प्लस 5, फिर 5 आएगा। 5 ये कि सबको पता है ना किस तरह से करते, देखो कैल्शियम 3 है तो 3 लिखने, 2 है तो 2 लिखने, बाकी चार्जेस जो है इसका इधर आ जाता है, इसका इधर, तो इस तरह से। आपको तो आयोटा आपने इस तरह से निकाल लिया। अच्छा, अगर ग्लूकोज दिया होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। पेपर में उन्होंने ये हमेशा बोल के नहीं बताना कि आपने आयोटा लगाना है, आपको खुद अपना माइंड यूज करना है। वहां पे ये डिसोसिएट होंगे तो यहाँ आयोटा लगेगा, ग्लूकोज विल नॉट डिसोसिएट। अगर ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा तो आप उसको फिर ग्लूकोज ही रखोगे और आप उसमें कल वाले जो फॉर्मूलाज हम वही लगाएंगे। ठीक है, तो आयोटा हर बार नहीं ऐसे बीच में जबरदस्ती डाल देना, आयोटा तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो फिर हम कोई भी आयोटा को डिस्कस वहां नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट होती, ठीक है। चलो,
तो हमारे पास ये तो वो केस हो गया जब 100% डिसोसिएशन है. अगर 100% डिसोसिएशन नहीं है, अगर डिसोसिएशन जो है वो हमारे पास 60-70-80% इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है. सो इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एक्सक्यूज मी मैम, जी जो टॉपिक है ये मैम ऑस्मोसिस का पार्ट है सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के. दिस इज फॉर ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट है चाहे फ्रीजिंग पॉइंट, सबके ही है ये. ठीक है, अभी तो बस मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब मैं क्या बता रही हूँ अभी तक, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूटेगा तो मोल्स बढ़ेंगे, और अगर उसके मोल्स बढ़ेंगे तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी. चेंज कितनी होगी वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम अभी करेंगे. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे चारों की चारों के एप्लीकेबल होगा. अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, नाउ व्हाट इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? आपको ना जैसे ये दिया हुआ है कि आपको ऐसे दिया हुआ है. अच्छा एक और चीज समझना जरा, बिकॉज ना इसमें एक कंफ्यूजन आ जाती है. जब हम परसेंटेज में लेते हैं कोई चीज, ये अलग से ही नोट करना एक बॉक्स बना के, जब हम परसेंटेज में कोई चीज नोट करते हैं तो वो ऐसे होती है 70%. अगर आपके 70% मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि 70 out of 100. तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम आउट ऑफ 100 लेते हैं. जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम आउट ऑफ 100 लेते हैं, है ना? जब और लेकिन अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, आप कभी ऐसे बोलते हो कि मैंने आधी कोई चीज खाई तो हाफ, दैट इज 0.5. तो फ्रैक्शन हम हमेशा 1 में से लेते हैं और जो परसेंटेज है वो हम हमेशा 100 में से लेते हैं. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है. अगर देखो अल्फा जो है आपको वो लिख के दिया हुआ है क्या 0.5, तो आपने उसको 0.5 ही रखना है. लेकिन अल्फा अगर आपको 50% लिख के दिया हुआ है, सो दैट विल बी 50% लिख के दिया हुआ है, तो 50% के लिए आप 50/100 लगाओगे, सो दैट विल आल्सो बी 0.5. तो ये चीज याद रखना, जब परसेंटेज लगा के साथ में दिया हुआ है तो उसके डिवाइड में 100 आता है ना. तो सॉल्व करके इवेंचुअली सेम आएगा, मतलब 0.5 और 50% इज सेम थिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू हैव परसेंटेज ऑलवेज राइट डाउन डिवाइड बाय 100. अगर अकेला दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये अकेला दिया हुआ है, ऐसे सिर्फ 0.5 दिया हुआ है, तो उस केस में मतलब फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है तो वैसे का वैसे ही रखना है. ठीक है, तो अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है या 60% है, तो 60% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? जैसे CH3PO4 के लिए 50, अगर मैं आपको बोलूं कि 50% डिसोसिएशन इज देयर या 60% डिसोसिएशन इज देयर, तो उसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स है इसके, तो 100 में से 60 की डिसोसिएशन हो जाएगी, 40 वैसे के वैसे पड़ेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया था, अगर अल्फा वहां दिया नहीं हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड नहीं दिया हुआ, तो फिर आप उसको 100% ही लो. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड नहीं दिया हुआ तो आप उसको 100% लोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे. लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड दिया हुआ है तो फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको भी करवा रही हूँ. ठीक है, तो कैसे करना है वो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा केस लेके चलते हैं NaCl का. NaCl will dissociate as Na positive plus Cl negative. यही होगा. At time t equals to zero. T equals to zero का मतलब अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई. अभी क्या है, रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई. तो अगर डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई तो NaCl कितने 1 और ये कितने 0 0. यही होगा. अगर अगर अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई है तो NaCl 1 होगा और ये 0 0. ठीक है, अब किसी भी टाइम टी पे मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए. तो अब ये तो आपको पता है जितने NaCl टूटेंगे कितने टूटेंगे, अल्फा NaCl टूटे तो अल्फा Na पॉजिटिव बनेंगे, अल्फा Cl नेगेटिव बने, जैसे हमने ये काइनेटिक्स पे किया था. यह कितने है, जितने NaCl डिसोसिएट होंगे, तो आपको भी पता है जितने NaCl डिसोसिएट होंगे उतने ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे. ठीक है, तो अब ये आ गया
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस केस में आयोटा निकालना है। तो इस केस में आयोटा क्या होगा, आयोटा आपको फॉर्मूला पीछे चेक करो, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, ऐसे लिख लो आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं। सो दिस इज द केस हियर, आयोटा इज इक्वल टू टू अल्फा बाय वन माइनस अल्फा फोर दिस केस, ठीक है। अब ये तो आपका अल्फा के टर्म्स में आ गया, मान लो आपको दिया हुआ है 60.6 या 60% दिया हुआ है, अगर अल्फा क्वेश्चन में 60% दिया हुआ है सो दैट मींस 0.6, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0.6 है, तो 2 into 0.6 by 1 minus 0.6, तो आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी 1.2 डिवाइड बाय 0.6, ठीक है। देखना जैसे हमने अल्फा डिसोसिएट करवाया है तो वो दो में नहीं डिवाइड हो रहा, जैसे सोडियम हमने सोडियम क्लोराइड लिया तो उसके सोडियम और क्लोरीन दो बन दो आयंस बन गए, ठीक है। अल्फा सुनो 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 देखो, अच्छा मुझे ये बताओ अगर एक NaCl टूटेगा तो कितने Na पॉजिटिव मिलेंगे, एक, और Cl नेगेटिव एक, आधे आधे तो नहीं मिलेंगे ना, नहीं। तो फिर जब अल्फा टूटेगा तो अल्फा अल्फा मिलेगा मैम, इसका आंसर 3 आएगा ना, है ना, इसका आंसर डिवाइड बाय 0.4 आएगा, 1.2 आएगा मैम, वहां पे 3 आएगा, खुद आएगा सर। अभी समझ आया आपको वो कांसेप्ट, यस मैम। मैम ये जो फॉर्मूला बना है ये नहीं पता लग रहा, कौन सा फॉर्मूला, 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा का नहीं कुछ क्लियर हो रहा, ये देखो ना आप क्वेश्चन क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, पहले डिसोसिएशन से पहले उसके कितने मोल्स हैं, 1 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा कैसे आया था मैम, क्यों मतलब 1 माइनस अल्फा क्यों नहीं आएगा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कैसे आया ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, नहीं वो तो ठीक है मैम, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे NaCl का पहले हमने 1 लिया तो जो टाइम था वो 0 था तो 0-0 आ गया था, अरे देखो ना इट्स द कि हमने क्या लेना है, हमें ऐसा आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन की जगह आप ये सोच सकते हो ऊपर आएगा जितने मोल्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में पड़े हुए और नीचे आएगा जो NaCl की फॉर्म में पड़े हुए, अगर आपको आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन में कंफ्यूजन लगती है तो आप ऐसे याद रखो ऊपर आएंगे जितने टूट चुके हैं और नीचे आएंगे जितने अभी टूटे नहीं है, तो टूट चुके हैं कितने 2 अल्फा और नीचे कितने आएंगे जो अभी टूटे नहीं है, तो इतना फ्रैक्शन तो अभी भी उसको उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट है तो इसलिए नीचे 1 माइनस अल्फा आएगा, ओके अभी क्लियर है मैम। जैसे हमने ये डिसोसिएशन के केस में किया है तो एसोसिएशन का केस भी हो सकता है, जैसे टू आयंस हैं कंबाइन करके NaCl बनाए, ओके मैम, अरे भी करवा रही हूं, ये समझ आया मंदीप, इज इट क्लियर और नॉट, ओके मैम, ओके चलो नेक्स्ट है हमारे पास ZnCl2, नेक्स्ट इज ZnCl2 वाले केस में आपको करके बताती हूं, ZnCl2 वाले केस में क्या होगा, वी हैव Zn2 पॉजिटिव प्लस टू Cl नेगेटिव, ठीक है, तो 1 0 0 यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, सोच के देखना इसको, जब ZnCl2 एक टूटेगा, एक ZnCl2 टूटेगा तो कितने Zn2 पॉजिटिव मिलेंगे, एक ही मिलेगा, तो अल्फा टूटेंगे तो अल्फा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब ये एक टूटेगा तो हमें 2 Cl नेगेटिव, मतलब जितने ये टूटेंगे मेरे को उससे डबल Cl नेगेटिव मिलेंगे, तो इसका मतलब अगर अल्फा ठीक है, सो अब आयोटा निकाल लो, आयोटा इज अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये इसी तरह से होता है ना, कितना
मैम मुझे लगता है इन दोनों का प्रोडक्ट करना होता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐड नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता है। यस मैम, प्रोडक्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट तो हम तब करेंगे जब हमें वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह लिखना होगा। मैम मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्किन को ऐड करके डिवाइड बाय 1 नहीं लिखो यहां पे शायद से। चलो ठीक है, अभी के लिए ये लिखो, ठीक है, 3 अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा वी हैव। अगर इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कोई और केस लेके देखना, इसके लिए निकाल के देखो Ca3PO4 डिवाइस के लिए, इसके लिए एक बार करके देखो खुद से, सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर केस। मैम जिसमें हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के केस में करते हैं, और आयोटा के केस में प्लस करना है इसको। हाँ, आयोटा के केस में प्लस करना है, जो अभी वो वाला बता रहे हो ना वो तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया, वो हम इक्विलिब्रियम के केस पे डिस्कस करेंगे। ओके मैम, 5 अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा, जब इनको ऐड करते हैं तो मैम वो 1 माइनस अल्फा पूरा ऐड करेंगे, प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। फिर देखो एक्सरसाइज, सही बात है, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या करना था, इसमें ना एक चीज है, ये करेक्ट कर लेना, हमें ना ये करना है नंबर ऑफ होल्स जो आफ्टर डिसोसिएशन है ना हमारे पास, उसमें देखो ऐसा है कि अब हमारे पास मोल्स है, ये चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये चीज ना करेक्ट कर लेना, ये मेरे माइंड से भी उल्टा हो गया। ये अगर हम मोल्स की बात करें ना, ध्यान से सुनना ये चीज, अगर हम मोल्स की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, that depends upon the number of molecules, number of moles, number of ions, वो इस चीज पे depend ही करता है कि किसके number of molecules, moles या ions है, वो इस चीज पे depend करता है कि कितने हैं। तो अगर मैं after dissociation की बात करूँ ना, तो इस वाले time पे यहाँ पे जो है वो कितने moles present है, यहाँ पे Na positive भी present है, Cl negative भी present है, और ये भी present है। तो ये चीज है after dissociation में आप इन सबको add करो, ठीक है, ये चीज करेक्ट कर लेना। आफ्टर डिसोसिएशन में आप इन सबको ऐड करोगे, और बिफोर डिसोसिएशन में आप 1 रखोगे, ठीक है, क्योंकि डिसोसिएशन से पहले तो इसका एक ही मोल था, और आफ्टर डिसोसिएशन में NaCl पड़ा हुआ है कुछ, वहां पे कुछ Na पॉजिटिव पड़ा हुआ है, कुछ Cl नेगेटिव पड़ा हुआ है। तो ये चीज जस्ट इसको करेक्ट कर लेना कि आफ्टर डिसोसिएशन आपको ये रखना है और बिफोर डिसोसिएशन में 1 रखना है, मतलब ये चीज आपकी बिफोर डिसोसिएशन आएगी और आफ्टर डिसोसिएशन में ये सब ऐड करना है। So you will get 1 upon alpha by 1 for NaCl. Similarly, इधर भी देखो, इधर भी क्या होगा? 1 minus alpha plus 2 alpha divide by 1. So that will be 1 plus 2 alpha. और इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा 3Ca2 positive plus 2PO4 3 negative. तो यहाँ पे 100 इधर क्या हो जाएगा? 1 minus alpha, 3 alpha, 2 alpha. तो इसको आप क्या लिखोगे? ऐड करो, देखो आयोटा विल बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 ये आ जाएगा, क्लियर है? तो इस तरह से इनको सॉल्व करना है। अभी क्लियर सबको? अब हमारे पास ये तो हो गया कौन सा वाला केस, दिस इज फॉर डिसोसिएशन। अच्छा, अब अगर यहां से हमें क्या करना हो मैम, जो पहले किया था वो अब पार्ट बी को करेक्ट नहीं है, वो नहीं आएगा, ये इसी तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो 100% dissociation वाले लिए वो भी फिर change होंगे? नहीं नहीं, 100% dissociation भी तो देखो हमने अल्फा का concept लगाया ही ना, वहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे after dissociation सीधा ही 2 number of moles बन गए, before dissociation 1 बन गए, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ concept आएगा ही नहीं। 100% dissociation होगी फिर reactant तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ तो reactant, हाँ बस उसपे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा उसमें, जैसे बिफोर डिसोसिएशन में हमारे पास सारे हो गए, और आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन में हमारे पास वही प्रेजेंट है जैसे NaCl प्रेजेंट था, एंड आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। तो मैम इसमें फिर अल्फा 1 हो जाएगा ना, जो 100% डिसोसिएशन में, क्योंकि जैसे 100 है तो 100 के 100 ही टूट गए, तो 100 अपॉन 100 1 ही बचेगा हमेशा। अरे वो तो जैसे मर्जी बोल दो, बट बात ये है कि दैट विल बी आफ्टर डिसोसिएशन, हमारे पास सारे NaCl और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो 2 हो गए और बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो 2 डिवाइड बाय 1 वो जो 100% dissociation वाला केस है वो। मैम नीचे 1 कैसे आए, ऊपर तो हमने सारे ऐड कर दिए, 1 बताना मैम। बिफोर
बिफोर डिसोसिएशन जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है दैट विल बी दिस. जो बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने थे, Ca3PO42, दैट इज एक ही मोल है ना बिफोर डिसोसिएशन, सो दैट्स द रीजन हमने नीचे वाली. ओके यस मैम. ठीक है चलो, अब अगर एसोसिएशन वाला केस ले तो एसोसिएशन वाले केस में क्या होगा, जैसे ये वाला केस होता है C6H5COH, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन करके हमें क्या मिलते हैं C6H5COH ट्वाइस मिल जाता है. ठीक है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन वी हैव, देखो दो का एक बन गया ना, आफ्टर डिसोसिएशन वी हैव वन और टू, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन और दिस इज बिफोर एसोसिएशन. तो आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास कितने हैं, एक ही है, और बिफोर एसोसिएशन कितने हैं, दो, सो दैट विल बी 1/2. तो आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा इन दिस केस विल बी 1/2. दिस इज अ केस फॉर 100% एसोसिएशन. ठीक है तो 100% एसोसिएशन के केस में आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास एक बचा और बिफोर एसोसिएशन हमारे पास दो बचे, तो 1/2 दैट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा एसोसिएशन वाले केस में हमारे पास 1/2 आ जाएगा, मतलब आयोटा विल बी 0. ठीक है तो इस तरह से हम आयोटा निकालेंगे. अभी के लिए हमने जितने केसेस किए उतने बहुत है, बिकॉज बाकी हम क्वेश्चन में साथ साथ डिस्कस कर लेंगे. अब हमने आयोटा निकालना सीख लिया है. इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज थोड़ा सा तो ये ऐसे में सब सा हो गया, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो आपका क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इसके दो तीन क्वेश्चन में आपको पूरे पूरे करके बता दूंगी. ठीक है अब आयोटा अगर आपने निकालना सीख लिया है तो आयोटा का यूज क्या है, आपने क्वेश्चन देखना है और आपने सोच, आपने क्वेश्चन देख के ये देखना है कि क्या उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर क्वेश्चन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, देन द फॉर्मूला विल बी पी, क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए, ये था ना रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. और यहाँ पे आ जाता है ये, हम उसको ले रहे थे, चलो हम ये लिख रहे हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट, और यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन आता था, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आता था सॉल्यूट का. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है पाई इज इक्वल टू सीआरटी. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दैट इज दिस, दिस इज द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब हमारे पास उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन नहीं हो रही है, मतलब कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो रही है उस केस में ये फॉर्मूलाज लगाए हैं हमने. लेकिन अगर वही केस इलेक्ट्रोलाइट का हो, मतलब वहां आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, तो पहले आप आई निकालोगे, उसको आयोटा निकालोगे और फिर उसको यहाँ पे पुट करोगे. तो आयोटा यहाँ पे क्या होता है, सारी जगह पे मल्टीप्लाई होता है. तो अगर आपके पास इस वजह से ना, ये जो आयोटा वाला है ये इन तीन केसेस में ज्यादा आता है, उसमें से भी इन दोनों केसेस में ज्यादा पूछा जाता है आयोटा का क्वेश्चन. ऊपर भी लगेगा तो सही, बट इसमें इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता. अगर आपके पास आयोटा का क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों के साथ ही ज्यादा आएगा. बट आपने आयोटा निकालना सीख लिया, फिर आप उनको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल डू, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन आता है. अब इसमें कभी मोलर मास निकालने को बोला जाएगा, कभी आयोटा निकालने को बोला जाएगा, कभी इसको निकालने को बोला जाएगा, जो भी निकालने को बोला जाएगा वो हम सॉल्व कर लेंगे. सो नाउ वी हैव रीच टू द कंक्लूजन कि हमें, देखो पेपर में मैंने आपको, अगर आप कोई भी बुक भी उठाओगे या जैसे मैंने पढ़ाया, मैंने आपको क्या किया, पहले नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए सब समझा दिया, उसके बाद मैंने आपके सामने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया वेंडहोफ फैक्टर, जो एप्लीकेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. उसके बाद इस इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोटा है उसको मैंने क्या किया, जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में जो फॉर्मूला है उसमें आयोटा 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 सब जगह पे आ जाएगा. तो जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो पेपर आपको क्वेश्चन को रीड करके पता चल जाएगा कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है. मान लो आपको पता चला कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, फिर ये है कि वहां पे आपको आयोटा लगाना है कि नहीं लगाना. अब आयोटा आपको अगर तो वो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है तो आपको आयोटा लगाना पड़ेगा. अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिख रहा, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, तो आपको आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है तो वो डिपेंड करता है किस तरह से केस है. सो दिस इज अबाउट इट. अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसके. वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू कीप इन योर माइंड कि क्वेश्चन में देखना पहले कि सब्सटेंस क्या गिवन है,
अगर सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट गिवन है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आयोटा लगाना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं गिवन है तो फिर आप आयोटा नहीं लगाओगे. ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चन, एक मिनट नोट कर लें, एक मिनट कर लो उसको. चलो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसकी. पहले मैं इजी से क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि मैंने कल भी क्वेश्चन नहीं कराए थे ना, पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे. राइट डाउन बिल्कुल इजी इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करा रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है आज सुबह से मेरे को लगता नहीं वो स्टार्ट हो पाएगा, बट इसको ढंग से कर लेना बिकॉज इसके पेपर में क्वेश्चन आते हैं. द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोल, ओपी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते जाना इसको. हम साथ साथ सॉल्व करते जाए, पहले क्वेश्चन लिखे नहीं, साथ साथ सॉल्व करते जाओ. प्रॉपर इसके लिए टाइम ले लो, चाहे इसको सॉल्व करने के लिए, बट ढंग से समझ लो. फर्स्ट का सी मैम, फर्स्ट का सी, सेकंड फिर सेकंड नोट कर लो. मेरे पास आंसर्स में अभी साथ साथ सॉल्व करके बता देते हैं. क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वैसे, तो इसको ध्यान से समझना. मैं तो बाद में समझाई दूंगी, बट ट्राई टू सॉल्व इट एंड अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ. चतिंदर जो उस दिन आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा था H2SO4 वाला, हाँ जी मैम, वो है, दैट इज करेक्ट. क्योंकि ना इसी वाले बुकलेट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लूज वेट ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, मतलब इसमें से किसका वेट लूज हो जाएगा अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में खुला रखेंगे. एंड ऑप्शंस आर कंसंट्रेटेड H2SO4, सॉलिड NaOH, CO2, एंड चार ऑप्शंस है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4. वही कि उसका जैसे अब कोई चीज है, अगर वो एक तो पानी है और एक H2SO4 है, अगर उसमें से H2SO4 उड़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि H2SO4 के इवेपोरेट होने का जो रेट है वो उससे ज्यादा है, मतलब H2SO4 has faster rate of evaporation as compared to water. और अगर ये पूछो कि इसका क्या रीजन है, तो वो तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है. अगर किसी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे एज कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर से पहले उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी. सो इसका यही रीजन होगा कि जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीकर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर, सो ये वाटर से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है. करेक्ट है वैसे ये चीज. मैम सर ने ना बताया भी था, सर ने क्या बताया था, इसका कुछ रीजन था पता नहीं, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके मेरे ना थोड़ा सा ऊपर से चला गया. वो सरसा से थे, प्योरली हिंदी बोलते. हिंदी तो मैं भी बोलता हूँ, प्योर वो ऐसे टिपिकल वाली हिंदी. चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सबका सॉल्व.
फटाफट से करो, मुझे कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसलिए सी आंसर आ रहा है। सी क्या रहे? सी सी आ रहे सबका। इसमें क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो सी कितना 0.2, आर कितना 0.0821 एंड 9298। ठीक है, इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट, आ रहा सबका सी, तो सी यू का आंसर। सेकंड वाला बताओ, इरेज कर दो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ सोच के, मैं इतने थर्ड क्वेश्चन लिख दूं। सेकंड का आंसर बताओ। नॉन इलेक्ट्रोड लाइट के लिए मैम, एट लो कंसंट्रेशन द स्टेटमेंट दैट ईपी प्रीवियस सॉल्यूशन एट द गिवन टाइम, क्या आएगा इसका आंसर? बाकी बी आएगा मैम। अम्मा बी आएगा। चलो मैं इतने देर अगला क्वेश्चन लिख दूं, जिसको लाइट है मैम। हां, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो एक बार पढ़ लो, मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रही हूं, उसके बाद फिर वी विल डिस्कस इट। ऑप्शन बी 1 एटमॉस्फेयर। मैंने ये करो, मैं दोनों क्वेश्चन साथ में डिस्कस करूं। थर्ड का डी मैम। इसका बोल दो आप बी। बी आंसर मैम इसका। इसका बी आर है, वेरी गुड। चलो अभी हम देखते हैं इसको, पहले मैं डिस्कस कर लूं थोड़ा, मेरे पास भी स्पेस आएगा लिखने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 6 × 10⁻⁴। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर इज करेक्ट बी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिसको समझ नहीं आया वो देख लो कैसे होगा। अगर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन क्यों बोली हुई है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। लो कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ ये है, स्टेटमेंट जो है कि इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब क्या है कि उनका कंसंट्रेशन सेम है। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोज आर इक्विमोलर, मतलब उनका कंसंट्रेशन सेम है। तो पूछा हुआ है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कब होगा। कल मैंने आपको बताया था कि पाई वन विल बी इक्वल टू पाई टू, सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, सी वन इज इक्वल टू सी टू, कंसंट्रेशन इक्वल है, तो सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी इक्वल टू पाई वन इक्वल टू पाई टू। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइट्स के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आयोटा भी आता है। सो आपको कल भी ये चीज हमने क्लास में डिस्कस की है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर चेंज करके दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ के आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में वो हुआ कि क्लिक हुआ कि ये होगा आंसर, तो मैम मतलब कैसे होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहे हो समझ आया मुझे? हम कल हमने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन किया था ना मैम, कल हमने, तो मैम इसका ऊपर वो नहीं होगा,
वही तो है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही है इसका आंसर. ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिखी हुई है. ओके मैम ठीक है. बट मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका पाई 1 पाई 2 के इक्वल होता है. लेकिन यहां से यहां हम तभी पहुंच सकते हैं अगर वो सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो. सोचो अगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो फिर उसके लिए जो उनकी अल्फा की आयोटा की वैल्यू डिफरेंट आएगी. तो फिर अगर आयोटा भी है यहां पे देखो, इफ वी हैव आयोटा तो इधर भी आयोटा, तो ये तो कट हो जाएगा. लेकिन आयोटा इसका डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, फिर कट नहीं होगा. तो फिर द फॉर्मूला विल बी आयोटा 1 सी 1 इक्वल्स टू आयोटा 2 सी. तो इसलिए नहीं आएगा. अब आंसर बिल्कुल अप्रोच सही है कि आइसोटोनिक होगा. लेकिन क्वेश्चन जो पूछा उसका डिमांड ये है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ओके हां जी ठीक है. तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर. देन हमें देखो फॉर्म. अब इन्होंने कंसंट्रेशन नहीं की मैम, ने टेम्परेचर चेंज किया हुआ इस टाइम पे. तो ये फॉर्मूला लगेगा, कर दो दोनों को डिवाइड. पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2, दूसरे वाले का पता नहीं निकालना है. पहले वाले का टेम्परेचर है 273, दूसरे वाले का 546. कट गया 2 पे तो पाई 2 कितना आ गया 4 एटमॉस्फेयर. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4 एटमॉस्फेयर. क्लियर मैम. वैसे भी अगर देखा जाए 2 एटमॉस्फेयर के ऊपर 273 है. अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो वो 456 बन रहा है. क्या बोल रहे हो? अगर 2 से मल्टीप्लाई की, वो तो बेसिकली मैंने किया भी तो यही है. अच्छा आपका बैकग्राउंड कौन सा, मेडिकल या नॉन मेडिकल? मेडिकल है मैम. मेडिकल है, चलो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है. बट ये जो आपने बोला है ना, मैं अगर ऐसे पढ़ाने लग जाऊँ तो मेडिकल वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा. तो इसलिए मेरे को हर चीज ऐसे कर करके बतानी पड़ती है. अगर आप ऐसे वैसे माइंड में कर सकते हो दैट इज वेरी गुड, आपका जल्दी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बेसिकली किया तो मैंने भी 2 से ही मल्टीप्लाई है, लेकिन मेरे को ऐसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स नहीं कंफ्यूज हो. ओके चलो और क्वेश्चन. इसका आंसर आ गया सबका मैम? मैम जो ये थर्ड अभी हमने किया है C1RT1 वाला, तो मैम इसमें कंसंट्रेशन की कुछ भी मायने नहीं रखते या कोई कोशिश मत, मैं तो कंसंट्रेशन निकालने में बिजी होगी कि पहले कंसंट्रेशन निकलेगी. अच्छा लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन निकाल भी लेते हो तो उसकी तो कंसंट्रेशन पहले कंडीशन पे ही आ गई, दूसरे वाले की कोई वैल्यू नहीं है C2 वाले में. दूसरे की भी तो वही पुट करोगे फिर कटी हो जाएगी बस. तो मैम मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें कि हमें कंसंट्रेशन वैल्यू मिले या नहीं. नहीं है मतलब चेंज नहीं हो रही. अगर उन्होंने मेंशन किया होता कि टेम्परेचर डबल करने से कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो फिर वहां पे आप लिखते सी सी बाय 2. इफ नथिंग इज मेंशन तो उसको दोनों को सेम ही हो गया. ओके मैम. मैम फोर्थ का बी आया. फोर्थ का बी आया, चलो फोर्थ में अभी कराते हो. जितना जितना हो गया मैं अभी क्वेश्चन देती हूं. मैम बी ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर में अभी सॉल्व करते. वैसे मैक्सिम का बी ही आ रहा है. ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व. इस क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में मेरा ध्यान देना, यहाँ पे केल्विन है, सेल्सियस है, ध्यान देना इस चीज पे. ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका, है करवाने की जरूरत है. करवा दो मैम. पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पाई इज इक्वल टू गिवन सीआरटी. एक मिनट मैम, यही नहीं समझ में आ रहा है क्या दिया दे रखा है. मतलब जैसे 1 लीटर है सॉल्यूशन का, इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसका बी है मैम ऑप्शन. अच्छा जिसका ये हो गया वो ये सॉल्व करो, जिसका ये नहीं हुआ वो एक समझ लो. बाकी देखो तो कैसे करना है. एक सॉल्यूशन है जिसमें 4 ग्राम ऑफ पीवीसी पॉलीमर है
वन लीटर ऑफ डाइऑक्सिन. तो हमारे पास सॉल्यूशन है पीवीसी इन डाइऑक्सिन. जिसको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है ध्यान से देख लो. सो पीवीसी इज द सॉल्यूट एंड डाइऑक्सिन इज द सॉल्वेंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट. वाज फाउंड टू हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई दिया हुआ है मुझे 6 into 10 raised to power minus 4 दिया हुआ है. गिवन मास ऑफ जो सॉल्यूट है दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम. मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो मुझे पता नहीं, मेरे को निकालना है. जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट की वो गिवन है 1 लीटर और आर जो है दैट इज गिवन आर 0.082. अभी समझ आई स्टेटमेंट? पायल आपको प्रॉब्लम थी जिसको नहीं समझ आया, समझ आया? यस मैम. नाउ वी हैव टू सॉल्व पाई इक्वल्स टू सीआरटी. सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मोलारिटी में, मोलारिटी में गिवन मास. चलो पाई पे पुट कर देते हैं. 6 × 10⁻⁴ गिवन मास इज इक्वल टू 4 ग्राम. मोलर मास इज इक्वल टू आई डोंट नो. और वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर. लीटर में ही रखनी थी, लीटर में गिवन है तो पुट करने की जरूरत नहीं. So this is my molarity. C की वैल्यू आ गई. Given mass, molar mass, volume. उसके बाद R को लेना है 0.0821. ठीक है? और temperature भी given होगा question में. Temperature is 300. Then I have to calculate M. M को इधर ले आओ. और बाकी इधर ले जाओ. Then तो अब क्या होगा? ये कट जाएगा किस पे? 50 पे. ठीक है? और 4 इज 200 into 10 raised to power 4 into 0.082. ये आ गया. आप इसको मल्टीप्लाई कर लो. देखो इसका कितना 1000 नीचे चले जाएगा. सॉल्व कर लो. अब इसको 2 × 82 दैट इज 160. आंसर विल बी 162 into 10 की पावर 3. So, आप इसको अगर आप मुझे आंसर बनाना है तो 162 into 10 की पावर 3 can be written as 1.6 into 10 की पावर 5. सबको कैलकुलेशन समझ में आई? किसी को डाउट है कैलकुलेशन में तो? यस मैम, समझ में आ गया. मैम स्क्रीन नीचे करना थोड़ी. मैम तो 2 के नीचे क्या लिखा है? स्टेप दिखाई विजिबल है? देखो जल्दी से फिर मैं उसको करती. इज इट विजिबल नाउ? Yes. कर लो. जहाँ पे डाउट है वो पूछो. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए या नहीं? वही तो क्वेश्चन है, वही तो सब पता करना है. ये क्वेश्चन इरेज कर दो. किसी को डाउट तो नहीं इस पे? 164 नहीं आएगा आंसर? अच्छा 64 आएगा. चलो अभी मैं डिस्कस करूं करवाते हूं उस क्वेश्चन को. पहले ना मेरे को इसका साथ में ये भी करते रहो क्वेश्चन व्हिच विल शो. मैम और क्वेश्चन लिख रहे हो? हां नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. ऊपर का विजिबल नहीं है. इट इज रिटन व्हिच विल शो मैक्सिमम डिप्रेशन. व्हिच विल शो maximum depression in freezing point. Options are urea, barium chloride, KCl, KBr, and aluminium sulfate. यही option है मैम, aluminium sulfate. देखते भी चेक करते हैं इसका. इसका बताओ क्या आ रहा है? डी आ रहा है आंसर. जिसको नहीं समझ में आया वो देखो कैसे करना है. आपको क्वेश्चन में आई थिंक स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही होगी मोस्टली, अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या लगाना है.
व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है दैट इज 100 ग्राम, ठीक है, रेजेस बेल्ट बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी दिया हुआ है इसमें सीधा 1 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चला मुझे स्टेटमेंट क्या इसकी हिंदी बना के देखना, इसने रेस कर दिया बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस से। अब ना यहाँ कल मुझे किसी ने केल्विन और डिग्री सेल्सियस का पूछा जो मैंने बोला था कल डिस्कस करेंगे, तो वो समझ लो कि उसका क्या लॉजिक है। यहाँ पे देखो इसको ध्यान से देखना, जब हमें डिफरेंस लेना होता है, मान लो किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, रेज होने के बाद वो 101 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डेल्टा टी कितना आया? ठीक है, मानते हो ये चीज, अगर पहले इतना था बाद में इतना हो गया तो डेल्टा टी कितना आएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस पे अगर वो 100 है तो इसमें कितना होगा? 373 और रेज होने के बाद 374, तो डेल्टा टी कितना आएगा? 1 केल्विन। तो 1 यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस आया, यहाँ पे केल्विन आया, तो यहाँ पे व्हाट इज द कांसेप्ट हियर, अगर जो डेल्टा टी है वो 1 डिग्री सेल्सियस है ना, डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने डिफरेंस इन टेम्परेचर लिया है, तो मैं इसको चाहे लिखना चाहूँ तो 1 केल्विन भी लिख सकती हूँ। अब आपको ये नहीं सोचना कि हाँ डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के तो मेरे को 273 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखो ना, अगर ये 100 है तो फिर ये 373 हुआ, और ये 101 है तो 374 हुआ, डिफरेंस तो इधर भी 1 केल्विन, 1 डिग्री इधर भी 1 डिग्री, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो आप उसको 1 केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफरेंस जब हम करते हैं तो केल्विन और सेल्सियस में सेम रहता है। ठीक है, अब मुझे एक एबीबी गिवन है, 473 नहीं आएगा, 473 क्यों, 273 करते हैं ना हम केल्विन में चेंज करने के लिए, तो फिर नहीं, ये 373 क्यों, अगर हमें करने के बाद आया ये 373 सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, 273 ऐड तो करना होता है। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। राइट डाउन द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, इधर लिख दो बाद में वो विजिबल भी है ना, is equal to kb into m, m है molarity, molarity is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, ऐसे ही होगा, delta db is equal to 1 is equal to 2.53 given mass, molar mass मुझे पता नहीं, m into 100 into 1000, ऊपर 1000 क्यों लगाया, क्योंकि this is in gram, to convert it into kilogram ऊपर 1000 आ जाएगा, तो m कितना आ जाएगा, पहले तो एम को उधर लिख दो, 1 2 3 4 कट गया, ये आंसर इज 253। आया समझ सबको, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, मैम आंसर मैं तेरी एज करना, इसके इसके ऑप्शंस मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, कम होगा, विच विल शो एल्यूमिनियम सल्फेट, नहीं, अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैम अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे कम है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाती हूँ, उस क्वेश्चन से पहले ना एक इससे ही टफ हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, पहले एक इजी क्वेश्चन कर लो, विच विल शो मैक्सिमम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कराती हूँ, पहले ये कर लो क्योंकि उसमें फिर काफी सारे कॉन्सेप्ट है, फिर मिक्स कर जो जाएगा, पहले ये कर लो।
आप देखो जरा विच विल शो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें तो कौन सा वाला वो सॉल्यूशन है जो मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा? यहां पे वन मोलर आएगा या मोलर आएगा? मोलर दिया हुआ है, वन मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर वैसे तो ये है ना कि देखो अगर सबके सब एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलारिटी और मोलालिटी में क्या होता है, नीचे वॉल्यूम आपको उसमें मास में कन्वर्ट करना, तो डेंसिटी चाहिए। अगर सारे सॉल्यूशन के एक्वस होंगे तो फिर सॉल्वेंट की डेंसिटी तो सेम ही होगी, तो उस केस में चाहे मोलालिटी लो मोलारिटी लो उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। बट ये इतना ही दिया हुआ है, 0.1 मोलर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलर नहीं दिया हुआ। ओके, सो अब मैक्सिमम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लेना। देखो आपको ना पेपर में ये मार्क कर लेना, यहाँ पे मैक्सिमम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज अ पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मैम जब नॉन वोलेटाइल होगा जिसका मतलब डिसोसिएशन कम होगी या नहीं होगी, उसमें फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, पूछ रहे हो बता रहे हो? मैम डाउट क्लियर कर रही हूँ। क्या डाउट है, क्या बोल रहे हो? मतलब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा ना तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करेगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा आई थिंक। नहीं नहीं, एक मिनट देखो, सुनो, तो ये चारों के चारों ही नॉन वोलेटाइल है, इसमें कोई वॉलेट है ही नहीं ऐसा जो वोलेटाइल हो, तो चारों के केस में ही जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है होगा, तो ये ऑल द फोर विल शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अब आपको पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, मानते हैं चीज जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतनी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, डन। तो अब यहाँ पे डिप्रेशन, सबका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस तो होगा ही होगा, सबका फ्रीजिंग पॉइंट कम तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे NaCl के लिए क्या हो रहा है, NaCl की डिसोसिएशन हो रही है, तो मेरे को कितने मोल्स मिल रहे हैं? अब क्योंकि कुछ नहीं बताया है यहाँ पे कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रही है, तो हम मानेंगे इसके दो मोल्स मिल रहे हैं। मैंने Cp क्या लिखा है, पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान से देखना, ये मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता रही हूँ मैं, अगर मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता तो भी सेम ही तरीके से करते, अगर मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होता तो भी सेम तरीके से करते, अगर वो वैसे वो रोल्स ला वाला कम ही आता है, तीनों के लिए हम चारों के लिए सेम ही तरीका फॉलो करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें से जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। जो अभी आप बता रहे थे कि जो वोलेटाइल होगा उसका हो जाएगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, बट यहाँ तो चारों ही नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए यहाँ वो कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज़ हियर ऑल द फोर आर नॉन वोलेटाइल। सो जिसके नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे उसके डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। NaCl के दो, यूरिया, याद रखना यूरिया एक ऐसा सब्सटेंस है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसकी भी डिसोसिएशन नहीं होती, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स वन ही है। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल भी कितने हैं, वन। K2SO4 तोड़ के देखो, K2SO4 आएगा मैम इसका आंसर, इसकी डिसोसिएशन करो, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, किसके हैं, K2SO4 के। सो K2SO4 इज अ सब्सटेंस जिसके नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम है, तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी, तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा K2SO4। क्लियर, डन, चलो समझ आया सबको। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इन दीस टू क्वेश्चंस इज उसमें मुझे कंसंट्रेशन सेम करके दे दी थी उन्होंने कि 0.1 मोलर, यहाँ पे मेरे को इन्होंने ये नहीं बताया कि कंसंट्रेशन सेम है, तो कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो क्या होगा, इधर देखो कैसे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में आईक्यू पर भी कुछ डिपेंड करेंगे, इस पे वोंटो फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें, दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो मैंने निकाल के बताया 2 और 3 को एक्चुअली में आयोडाइड तो था, और फिर जैसे मोलैलिटी में जो नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे उसके ऊपर भी फिर डिपेंड करेगा। नहीं देखो, इफ दे हैव दोस फोर जो ऑप्शन पे गिवन थे वो तो सॉल्यूट थे, सॉल्वेंट चारों के लिए मान लो वाटर है, तो अगर उनकी कंसंट्रेशन सेम है, अब अच्छा चलो ये देखो,
the formula for depression and freezing point is this. ठीक है, अब दो तो वो हो गए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अब जो इलेक्ट्रोलाइट का केस है उनके लिए तो सेम है ना. मान लो ये मैंने NaCl के लिए लिया और ये मैं K2SO4 के लिए ले लिया, तो डिवाइड होके ये भी कट जाएगा, आयोटा ही तो बचेगा वहां पे सिर्फ. ठीक है, आप बोल रहे हो कि उनका मोलर मास डिफरेंट है, लेकिन मोलर मास डिफरेंट है मतलब मोल्स भी डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मिला के उनकी मोलालिटी सेम है. तो अगर उनकी मोलालिटी सेम है तो वो तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगी. ओके ठीक है. ओके चलो, विच विल शो द मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसमें से कौन सा शो करेगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व. दिस इज करेक्ट, एक्चुअली मिक्स स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लिखा गया, मैं इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता दूं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग. अच्छा इन्होंने मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे. ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें क्या है, मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछे. नाउ देयर इज नॉट मेंशन इट इज कि कंसंट्रेशन सेम ले लिए. तो अगर मैं यूरिया के लिए सॉल्व करूं, तो यूरिया के लिए ध्यान से देखो, द फॉर्मूला फॉर डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी. मोलालिटी इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. ठीक है, और दिस इज सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, यही होगा ना फॉर्मूला. अब ये है यूरिया के लिए. उसके बाद अगर मैं BaCl2 के लिए लिखूं, तो BaCl2 क्योंकि एक्वस है तो BaCl2 के लिए आयोटा कितना आएगा, 3 आएगा. सो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 इनटू केएफ इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट. मैम आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला वो नॉन वोलेटाइल है, एक मिनट तो मेरे पास मैसेज चला गया. हमें क्या पता नहीं कौन सा वोलेटाइल है, आप बोल रहे थे नॉन वोलेटाइल डिस्कस. अच्छा इसमें क्या होता है ना, ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे जो आपको यही बार बार देखने को मिलेंगे, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, केन शुगर हो गया, ये सारे के ये जो है सब्सटेंसेस, ये नॉन वोलेटाइल ही है. वोलेटाइल जो होंगे जैसे इथेनॉल वगैरह, आपको इन क्वेश्चंस में कभी भी ऑप्शन में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आएगा ही नहीं, वोलेटाइल सब्सटेंस आएगा ही नहीं. इसमें हमेशा आपको सारे के सारे वोलेटाइल ही दिखेंगे. मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए प्रीवियस ईयर वाले भी, और जो मेरे पास जो बुकलेट है उसमें कम से कम 200-300 क्वेश्चंस दिए हुए, तो वो कभी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को देखते ही नहीं ऑप्शन में. ऑलवेज यू विल गेट अ वोलेटाइल सब्सटेंस. तो इसका फिक्र मत करो कि हमें कैसे पता चलेगा, द सब्सटेंस दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी अ वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस. मल्टीप्लाई किया ना, ओके ओके मैम, इसमें हम डायरेक्ट वो नहीं कैलकुलेट कर सकते भी कितने आयंस बनेंगे, क्योंकि ये भी डिपेंड. वही तो किए मैंने आयंस, लेकिन अभी आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में मोलालिटी भी तो आ रही है, तो मोलालिटी बिट पे भी मोलर मास भी तो डिफरेंट है. क्या इन सबका मोलर मास सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है. तो फिर हाउ वी कैन इग्नोर दैट, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना. ओके ठीक है, अब मैं चारों के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ दो के लिए लिख रही हूँ. अब हम इनको डिवाइड करते हैं, KF, KF दोनों में सेम है, ठीक है, वो हम कट कर देंगे. वेट और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि वेट वगैरह उन्होंने सेम लिया होगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास डेल्टा TF है किसके लिए, फॉर यूरिया दैट इज इक्वल टू 1 by molar mass ऑफ यूरिया. डेल्टा TF फॉर BaCl2 इज इक्वल टू 3 divided by molar mass ऑफ BaCl2. डेल्टा टी एफ फॉर KBr, KBr के लिए क्या होगा, दैट इज 2 divided by molar mass ऑफ KBr. ठीक है, और डेल्टा टी एफ फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी, इसके कितने हो जाएंगे, तोड़ के देखना इसको, इसको डिसोसिएट करके देखो. 5 divided by molar mass ऑफ Al2SO4 plus. तो अब आपको इनके मोलर मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. इसका मोलर मास निकाल के देखो, दिस इज NH2CO2, व्हिच यूरिया का फार्मूला ये होता है 60 60. ओके 1 by 60. BaCl2 का
व्हाट इज द मोलर मास फॉर BaCl2 और KBr का और Al2SO4 था इसका, सारे पुट करने पड़ेंगे हमें। BaCl2 का 208, दैट इज 208, और KBr का 119, एंड इसका लास्ट वाले का 342. ओके, सो यू हैव दीस मोलर मासेस। अब आपको देखना पड़ेगा, इन्होंने पूछा ना मैक्सिमम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसकी ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका मैक्सिमम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सो दिस इज 1/60, मतलब इनऑर्गेनिक में जब आपने पी ब्लॉक वगैरह किया नहीं अभी, नो मैम, हाँ, तो फिर वो तो आपको वहाँ पे जब वो करोगे तब भी याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो बिना मोलर मासेस के आपको जब तक सीक्वेंस ही नहीं पता होगी तो आप कैसे ही सॉल्व करोगे। मैम एक बार रिपीट कर दो, ये रेशियो फॉर्म में हमने क्यों किया इसको? ये हमने क्यों किया देखो, अच्छा मेरे को ये बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया, ये लगाया? यस मैम। अब पिछला क्वेश्चन तो था ना, उसमें एम जो था मोलारिटी वो सेम दिया हुआ था, तो फिर वो तो कट कट हो गया, सिर्फ एक फैक्टर बचा कि कितने मोल्स है, जितने मोल ज्यादा उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे इनका मोलर मास भी तो डिफरेंट है, तो हाउ कैन वी इग्नोर देयर मोलर मासेस? इनके आयंस डिफरेंट होने के साथ साथ इनका मोलर मास भी डिफरेंट है, तो इन चारों में दो चीजें चेंज हो रही है, एक तो इनके आयंस, जैसे इसका एक है और इसके इसके कितने, तीन, और इसके दो और इसके पांच, ठीक है। सिमिलरली इनके मोलर मास भी चेंज हो रहे हैं और मोलर मास आते हैं नीचे, तो फिर इसलिए हमने मोलर मास भी देखा। हम हमेशा वो चीज देखते हैं जो चेंज हो रही है, और यहाँ पे ये दोनों की पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। ओके, अभी क्लियर हुआ? जिसकी रेशियो ज्यादा आएगी, हमने वेरिएशन देखी है, हमने मतलब डेल्टा टीएफ की मोलर मास के साथ, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर देखो यहाँ पे 1325 क्यों आया है, क्योंकि हमें मोल्स भी, इनके आयंस भी देखने हैं कितने। मैम इसका आंसर केबीआर आएगा, आंसर केबीआर आएगा। हाँ जी, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी वैल्यू, तो यस केबीआर के लिए मैक्सिमम है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन सोच के ये डर लग रहा है हमें मोलर मासेस नहीं पता या हम डिवाइड कैसे करेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन अगर समझ नहीं आया देन यू कैन आस्क। अभी भी किसी को डाउट है? मैं मेरे पेन के लिए क्लोराइड आएगा क्योंकि उसकी रेशियो 1/69 है। इसका बेरियम क्लोराइड, रिपीट कर दो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन लास्ट में 1/68 है। यस दैट इज 1/68। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जिसने बोला रिपीट करो एक बार, अपना माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ जी, आपको ये पता है कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, ma'am. उसपे एक तो आयो, जहां नंबर ऑफ मोल्स है वो वेरी करेगा, केएफ तो सबके लिए सेम रहेगा, अब मोलालिटी है वो चेंज करेगी, तो मोलालिटी यू चेंज करेगी क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, इनका मोलर मास डिफरेंट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ आइंस और एक मोलर मास, इन चारों का मोलर मास डिफरेंट होगा ना? Yes, ma'am. तो बस एक, आपने सारा फॉर्मूला लिख दिया, उसमें से ये तीनों चीजें काट दी, ये तीनों चीजें कट कर दी, एक हमारे पास आइंस बचे जो सामने आएंगे और एक हमारे पास मोलर मास बचा जो डिवाइड में आएगा, तो ये दो फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं हमने उनको रखा, बाकी जो सेम है उन सबको कट कर दिया, उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी।
ओके ओके मैम ओके मैम और लिखो क्वेश्चन इसका आंसर मैम केबीआर है यस द आंसर इज केबीआर राइट डाउन द क्वेश्चन अगर आज के लेक्चर में आप लोग कितने अच्छे से इसको कर लेते हो कि पेपर में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो ये वर्थ है पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे लगाने का क्योंकि इसमें से आपको पेपर में हम लेक्चरर के अंडर के पेपर में इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं लेक्चर लेडर के पेपर में इसमें से आ जाते हैं तीन तीन भी दो तीन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन तो उसमें भी यही आते बस दो तीन हाँ मास्टर गाइड में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे थ्योरेटिकल आता है न्यूमेरिकल नहीं आता सॉल्यूशन के क्वेश्चंस जो है वो मास्टर गाइड लेक्चर गाइड दोनों में सेम टाइप के ही आते हैं मैम मास्टर लेक्चर गाइड में सबसे ज्यादा किस में से आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में से मास्टर लेक्चर गाइड में लेक्चर गेटर में जहाँ 150 क्वेश्चन है वहाँ हर क्वेश्चन के हर टॉपिक के हिस्से में बहुत सारा वो बचता है वहाँ पे तो मेरे को लगता है लेक्चर गेटर क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी है आज कंपेयर टू मास्टर गेटर क्रैक करना हाँ जी मैम उसमें सिर्फ केमिस्ट्री है ना और एक तो कंपटीशन भी तो कम हो जाएगा क्योंकि बच्चे भी कम हो जाएंगे मास्टर्स वाले ये तो है मैम मैम 186 डिग्री सेल्सियस लिखा है वहाँ पे 1.86 आएगा कब आ जाएगा बस देखो बड़ी जल्दी सुनने में तो आ रहा है बाकी बता दो डी ऑप्शन यहाँ पे स्किप हो गया करो सॉल्व फिर आयोटा वाले क्वेश्चंस कर आते हो आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिंग वाटर डी ऑप्शन में बाकी भी सॉल्व करो फटाफट से फिर आंसर मैच करते चलो जिसका ये हो गया ये वाला क्वेश्चन लिखो फर्स्ट आंसर क्या रहा पोलर डिप्रेशन पॉइंट हो गया सकता है क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस और फ्रीजिंग पॉइंट ओवर दिस क्या रहा ऊपर वाले का डी आ रहा है डी और बी डी डी किसी का बी भी आ रहा है मैम होता का आंसर है वो मतलब कि सॉल्यूशन माइनस या प्योर वाला दिमाग लगा के सोचो अपना पेपर में अगर अटक गए तो कौन होगा बताने वाला डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कब हो रहा है कब किसको डालने के बाद ये फर्स्ट का डी है ना मैम क्या आएगा चलो फर्स्ट का माइनस वाला आएगा मैं माइनस वाला आएगा हां तो इसीलिए ऐसे वैसे नहीं पूछना अपना इफ यू आर स्मार्ट है ना तो दिमाग यूज करो अपना है ना मैम फर्स्ट का डी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर्मूला विल बी के एफ इनटू
m. Kf is 1.86, m is 0.05. कर लो मल्टीप्लाई. कितना आ जाएगा? 0.0930 डिग्री सेल्सियस. ये क्या आ गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और वाटर, वाटर का अच्छा ये क्या आ गया? डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब डिग्रीज. मानते हो कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इतना कम हुआ. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? मेल्टिंग पॉइंट इज जीरो. यही यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, ये ध्यान से सुन लेना. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. अब मुझे ये बताओ, अगर 0 डिग्री सेल्सियस में इतना डिक्रीज हो गया तो 0 से छोटा होगा कि 0 से बड़ा होगा? छोटा होगा मैम. छोटा होगा, और छोटा होगा तो माइनस होगा. याद रखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो देखो ऐसे इस पर रट्टा नहीं मारना कि सॉल्यूशन माइनस. मेरे को भी ऐसे याद नहीं रहता, आप लोगों को भी नहीं रहेगा. जब एग्जाम में जब इतना स्ट्रेस होगा तो यू विल फॉरगेट. ऐसे याद रखो कि हमारे पास एक्चुअली में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो डिक्रीज हो जाएगा. डिप्रेशन आएगा उसमें तो कितना आएगा? इतना. तो 0 माइनस दिस करेंगे तो दैट विल बी दिस. तो आंसर इज नॉट डी, आंसर इज बी. किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो. मैम दोबारा समझाना, ये मेरे को समझ नहीं आया. समझ आया कि इतना कम होगा? सी नहीं आएगा. नहीं आएगा मैम. दोनों का ही गलत है. देखो इसको अगर किसी को डाउट था अभी भी तो समझ लो. यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मेरा डेल्टा टी एफ कितना हुआ? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.09. अच्छा पर ऐसे नहीं याद रखना तो एक और तरीके है. डेल्टा टी एफ क्या होता है? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये क्या रखेंगे हम? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट. मैम टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सॉल्यूशन. यही करवाया था कल. सॉल्वेंट का अकेले का माइनस सॉल्यूशन का इज इक्वल टू 0.093. अब सॉल्वेंट का अकेले का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो आप क्या लिखोगे? 0, ये इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. सो द आंसर विल बी माइनस 0.0930. क्लियर है? अगर नहीं इतना कंसेप्ट लग पा रहा तो ये याद रख लो, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है वहां सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है. क्लियर? मैम ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब डिप्रेशन है तो नेगेटिव आएगा. जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो में से माइनस करेंगे ना उसको, तो फिर वैल्यू और नहीं कम होगी? तो अभी तो माइनस में चली गई. फिर मैम हम एग्जैक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि ये आएगी. यही तो आएगी, जीरो में से इतना माइनस किया तो इतना ही तो आएगा. माइनस भी तो जीरो में से किया ना, तो जीरो में से जब ये माइनस करोगे तो माइनस यही बचेगा. ठीक है मैम. ठीक है, ओके. अच्छा जो ये बोल रहे हैं देखो कि ये याद रख सकते हैं कि डिप्रेशन है तो माइनस पे, ऐसे नहीं याद रखना. वाटर का केस है तो 0 डिग्री सेल्सियस है. अब मान लो कोई सब्सटेंस हो जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 4 डिग्री सेल्सियस हो, तो आप 4 में से अगर माइनस 0.093 माइनस करने लगे तो वो तो 3 point something आ गया. तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि डिप्रेशन है तो हमेशा माइनस में ही आएगा. वाटर के लिए ना, वाटर के लिए याद रख सकते हो कि माइनस में ही आएगा. ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है इसका आंसर. ठीक है मैम. वैसे तो कैलकुलेशन करके भी 1.9 समथिंग आ रहा है. तो अगर ऐसा आयोटा पूछा हुआ पेपर में, तो अगर ऐसा डाटा देखकर आयोटा पूछा हुआ है तो आप हमेशा फार्मूला लगा के करोगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं करोगे. ठीक है ठीक है. अपना माइक ऑफ कर लो. ये आ गया. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट आयोटा. आयोटा कितना होगा? डेल्टा टी वी, दैट इज
डेल्टा डी भी कितना है 1.88 डिवाइड बाय केबी, केबी कितना है 0.052 0.52 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी कितनी है 2। इसको कर लो सॉल्व। समझ आया सबको? इसी क्वेश्चन में आगे ये है, द क्वेश्चन इज नॉट कम्प्लीट। अगर ये क्वेश्चन में आयोटा आता तो ऐसे निकालते कैलकुलेट अल्फा निकालो। हाँ जी, पॉइंट्स में आ सकती है। हाँ, पॉइंट में भी आ सकती है। अगर मान लो डिसोसिएशन जो आयोटा हो वो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% ना हो तो आयोटा पॉइंट में आ सकता है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1.8। नाउ कैलकुलेट अल्फा फॉर दिस। अल्फा निकालो इसके लिए। इसके लिए देखो पॉइंट एट कैसे आएगा। मैंने आपको NaCl तो वो करवाना हो गया। NaCl में हमारे पास दैट विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो आपको कैसे बताया था 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1, सो दैट इज 1 प्लस अल्फा। ये किसके इक्वल आता है आयोटा के। अब अल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा आयोटा माइनस 1, आयोटा कितना है 1.8 माइनस 1 दैट मींस 0.8। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। मैम एक मिनट, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई है? डेल्टा टीबी की तो गिवन थी क्वेश्चन में, डेल्टा टीबी जो गिवन था 1.88, हमें तो आयोटा निकालना था। राइट डाउन m बाय 10 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड is 50% dissociated at 273 at 27 degree Celsius calculate osmotic pressure। Karo question ko solve। ऊपर वाली स्टेटमेंट बोलना विजिबल नहीं है, एक बार बोल ही दो बस। M by 10, capital M by 10, solution of ये है, potassium K4FeCN6 is 50% dissociated। मैम अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ जी, वो कुछ डिसाइड हुआ क्या टाइमिंग वगैरह का? वो तो मुश्किल ही है। मुश्किल है, देखो ऐसा है कि मेरे दो चैप्टर्स रहते हैं, तो मेरा जून का टारगेट है, जून में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा लंबा है, देखो काम सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए टाइम चाहिए। तो आपको भी बताओ 2 घंटे क्लास में ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का भी ब्रेक लिया जा रहा है। अब उससे ज्यादा हमें टाइम मिलेगा तभी हम लोग सिलेबस करा पाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर टाइम मिलता है तो सिलेबस हो जाएगा, बाकी सिलेबस तो कराना ही है बट एक टाइम उसके लिए चाहिए। मैम कल आप क्लास लोगे हमारी 5 o'clock?
से ले नहीं पाऊंगी। दीपा मैम तो कल ले लेंगे, वैसे मैं शायद से कल मेरे कुछ काम नहीं, मैम को नहीं लेंगे वो कल। मैम बोला एक्चुअली मैं ये कि फ्राइडे मेरी कोई क्लास नहीं होती, बट आई थिंक मैं नहीं ले पाऊंगी वैसे, बट मैं बता दूंगी, वैसे नहीं ले पाऊंगी कुछ कल, मेरे को थोड़ा सा काम है। ओके मैम। 7.38 मैम। 7.38 आ रहा है। आंसर इज 7.38 है मुझ पर। ठीक है, 385 है। आ गया सबका? कैसे करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? आयोटा सी आर टी। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट आयोटा। देखो आयोटा निकालना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। That will be 4K positive, FP, CN6, 4 negative. ठीक है? तो it will be 1 0 0, 1 minus alpha, 4 alpha, alpha. यही होगा? तो iota is 1 minus alpha plus 4 alpha plus alpha divide by 1. So that will be 1 plus 4 alpha divide by 1. अब अल्फा गिवन है 50%, मैंने आपको बोला था कि इसको चेंज कर लिया करो 50/100, मतलब 0.5, सो इट विल बी 1 प्लस 4 इनटू 0.5, सो दैट विल बी 1 प्लस 2 3। अल्फा कितना, आयोटा कितना आ गया 3। यहां पे किसी को डाउट है तो पूछ लो। 3 इट इज m / 10 को मतलब आप सिंपली 1 / 10 लिख सकते हो। r इज 0.0821। Temperature is always substitute temperature in calculation. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 3.7 समथिंग आ रहा Then, एक क्वेश्चन है, किसी को डाउट है इसमें, मैं एक क्वेश्चन एसोसिएशन का करा देती हूँ। मैम ये m by 10 जो दिया हुआ है, मैम ये क्या होता है m by 10? m by 10 मतलब इसकी मोलालिटी 1 by 10 है, it is 1 by 10 molar। मैम इसका आंसर कितना है? 73 पॉइंट कुछ आ रहा है। 73 आंसर क्या है? क्या बताया था आंसर, किसी ने भी बताया था, सही था वो आंसर, कितना है? 7.38। नहीं मैम, मुझे लगता है किया कि हेनरीज लॉ तो वो गैस गैस के लिए एप्लीकेबल होता, कि जो गैस का वो जो मोल फ्रैक्शन वो जो है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मैम वो किया नहीं है। किया नहीं है? मेरे को लगता है किया है। नहीं मैम। श्योर? हां जी, मैं कॉपी उठा के देख लेता हूं। नहीं नहीं, मेरे को, मैं नहीं भी करा सकता, मुझे ऐसे लग रहा है कि किया है। सर कितना आया? 0.738। नहीं, 7.38। देखो अ सॉल्यूट टेट्रागोनाइजेस, ये एसोसिएशन का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूट टेट्रागोनाइजेस इन वाटर अप टू 80%, अप टू 80% इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए 2.5 ग्राम ऑफ ए इन 100 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस एंड केएफ फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, कैलकुलेट मोलर मास, ऑफ ए।
टेट्रामेराइसिस का मतलब फोर आयंस देगा सॉल्यूशन में, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, फोर आयंस मिलके एक आयन बना रहा है, फोर आयंस एसोसिएशन हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, तो इसका मतलब चार एक मिलके ए फोर बना रहे, ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में ये वन था सो इट विल बी जीरो, और अगर ये वन माइनस अल्फा है, अगर ये अल्फा है मतलब ये इसका आप मान सकते हो कि दिस इज वन फोर्थ ऑफ दिस, जितना ये है ये उसका चौथा हिस्सा है, मतलब वन फोर्थ है उसका, तो इट विल बी अल्फा बाय फोर, इफ दिस इज फोर देन दिस इज वन, इफ दिस इज वन देन इट इज वन बाय फोर, एंड इफ इट इज अल्फा इट विल बी अल्फा बाय फोर, अगर मैं इसको फोर अल्फा लूंगी तो ये अल्फा हो जाएगा तब भी नहीं आएगा, सो अब मेरे पास क्या है, आई हैव टू कैलकुलेट आयोटा, आयोटा विल बी दिस, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, इसको ध्यान ऐसे करना, अल्फा बाय फोर माइनस अल्फा करना, सो दैट विल बी अल्फा माइनस फोर अल्फा बाय फोर, दैट विल बी माइनस थ्री अल्फा बाय फोर, इस पैरामीटर को सॉल्व करके माइनस थ्री अल्फा बाय फोर आ रहा है, सो दैट विल बी वन माइनस थ्री अल्फा बाय फोर, ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर आयोटा, आप 80% दिया हुआ है तो मतलब आप इसको 0.8 कर सकते हो, आयोटा 0.4 आ गया, ठीक है, बाकी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, मैम अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 नहीं होएगा, आप माइनस किया ऊपर कहां पे, ऊपर जहां पे आपने अल्फा बाय 4 माइनस अल्फा लिखा, हां जी इस पे देखो ना माइनस तो है अल्फा के आगे, ओके ओके मैम ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर बताओ, मैं प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स लेके आती हूं एक मिनट, फिर हम बस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट, जस्ट एक मिनट रुको, इतने सॉल्व कर लेना आंसर बताना क्या आएगा, मैम टू हंड्रेड पता नहीं लगा अल्फा बाई फोर के बीच में नेटवर्क खत्म हो गया था, अच्छा देखो कहाँ तक समझ आया मैम, अल्फा बाई फोर वन बाई फोर रह गया ना वो एसोसिएशन में, उसके बाद क्या किया निकालने के लिए हम सबको ऐड करते हैं, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय फोर, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, ये अल्फा बाय फोर माइनस अल्फा है ना, तो मैंने इसको सॉल्व किया, दिस इज माइनस थ्री अल्फा बाय फोर, तो मैं लिख दिया वन माइनस थ्री अल्फा बाय फोर, अल्फा की वैल्यू गिवन थी 80%, सो आई हैव सब्स्टिट्यूट 0.8 हियर, तो उसको सॉल्व करके मुझे आयोटा 0.4 मिला, उसके बाद तो सॉल्व करने के लिए मैंने इनको ही दिया, ओके मैम, कितना आंसर 155 तो मोलर मास तो चेंज करेंगे डेल्टा टी को, क्या करेंगे 0.3 है जो वो में दिया हुआ उसको चेंज नहीं करेंगे केल्विन में, मैंने अभी तो बताया आपको कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो अगर चेंज भी करोगे तो भी वो इतना ही आएगा 0.3, केएफ की वैल्यू जो गिवन है हमें वो किस में दी, जब आपको ये चीज बताई थी अभी मैंने आपको वो 100 और 101 वाला एग्जांपल बताया था वो सुना था, लेकिन एक तरफ तो केल्विन है यूनिट, एक तरफ सेल्सियस है, मैंने जब ये एग्जांपल बताया था वो सुना था या नहीं मैं ये पूछूंगी, यस मैम यस,
सुना था, तो उसमें मैं यही तो एक्सप्लेन करी थी कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस लेते हो, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस लेते हो तो अगर वो 0.3 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में भी 0.3 ही आएगा। तो आपको इसको यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो आप इसको 0.3 केल्विन भी लिख सकते हो। ठीक है मैम, कितना आंसर है? अगर मोलर मास 62 आ रहा है तो ऐसे होगा। हाँ, 62 आएगा। क्या बोल रहे हो मैम? मेरे को ये था कि अगर 1 का डिफरेंस होगा तो वो चीज अपने नहीं नहीं कुछ भी डिफरेंस होगा तो सेम ही आएगा। आंसर विल बी 62। मैम बिल्कुल भी नहीं आएगा, 155 भी आएगा, मैंने कैलकुलेटर पे भी कर लिया। मैम आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जो वैल्यू निकाली थी हमने? 0.4 आया था, 0.6 आया था मैम, 0.4 आया था, बस उसी से नहीं मल्टीप्लाई किया इसलिए आंसर में फर्क आ रहा है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में इतना करी तो डिफरेंस होता, और क्या होता है। ठीक है चलो, सो क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। अब मैं फटाफट से, 5 मिनट ही है मेरे को प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन सॉल्व कराने। मैम 2000 क्यों कर रही है? क्योंकि ग्राम में आना है और मैं इसको किलोग्राम में लेना होता है। मैम मेरा तो बिना 1000 के मल्टीप्लाई कर रहे 62 आ गया। जबरदस्ती नहीं ले गया, वो ऐसे थोड़ी ही आ जाएगा, कुछ मिस्टेक होगी, चेक करो तो कैसे आ जाएगा। कुछ तो मिस्टेक करी होगी क्योंकि 1000 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। मैं तो कहता हूँ पेपर से पहले नोटिफिकेशन निकाल दे, कोई भी दो सब्जेक्ट चूज कर लो, 75-75 क्वेश्चन आएंगे तो उससे क्या हो जाएगा फिर, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना तीसरे सब्जेक्ट में? उससे फायदा हो जाएगा मैम कुछ तो। ये फायदा पता क्या, मेरे पास मेरी कांटेक्ट में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दो सब्जेक्ट इतने अच्छे से पढ़ रखे हैं और उन्होंने तीसरा सब्जेक्ट हाथ भी नहीं लगाया, तो उसमें नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, तो उनका बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन तीनों को देखने तो अब तो कोई चांस ही नहीं है कि दो करने के। क्या हो गया सिलेबस तो मैम उन्होंने तीनों का दे ही दिया, सिलेबस तो 500 सब्जेक्ट्स का दिया है, तीनों का भी है। ये ना इन्होंने 85-82 में ऐसे किया था, पेपर अप्लाई करने के वक्त तो तीनों पेपर थे, बाद में ना जब पेपर लिया तो उन्होंने दो पेपर कर दिए थे। ये ऐसे ऐसे तो क्या ही चाहते, चलो अब इस चीज पे तो आर्गुमेंट करना ही नहीं है ना, काम करो अपना। और जो मैम बाकी ना गवर्नमेंट जॉब लेना सब लक की बात है, अगर किस्मत में हुई तो मिल ही जाएगी। अगर किस्मत में हुई लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये नहीं है कि मेरे नोन में ना मैम ऐसे भी बंदे हैं बिना मेहनत किए, जैसे ना हम कहते हैं किस्मत उठा के लेके जाती है, आ जाते गवर्नमेंट जॉब दिलाऊं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पे कोई मैं बात मैं कर सकती हूँ, बट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। पिछले हमारे एक्सपीरियंस में यही है, जब लेक्चर गेटर का रिजल्ट निकला था तो दैट वाज आवर फर्स्ट टाइम फॉर लेक्चर गेटर, तो हमें रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा था, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में जिन्होंने हमसे पढ़ के क्वालिफाई करा उनके मैसेजेस भी आए कि हाँ मैम ये वो की कोचिंग की वजह से वही जॉब, ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस, तो हमें बाद में पता चला क्योंकि रिजल्ट जो उसका पीडीएफ था वो जब हमारे पास आया था, हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो मतलब हमारे उसमें से पढ़े हुए थे, नाम पढ़ के हमें पता ही चल गया, तो हमने उसको कॉल करी कि ओके अपनी पिक्चर सेंड कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली देखो हम इतनी मेहनत करके अगर रिजल्ट आ रहे तो हमें भी तो कहीं को डिस्प्ले करना ही है, थोड़ी तो पब्लिसिटी चाहिए ना। तो उन्होंने हमने मैसेज किया था, किससे मैसेज किया था कि अपनी पिक्चर सेंड कर दो, तो बस पिक्चर्स तो सेंड नहीं करी और इनफैक्ट जो डीपी लगी थी वो भी हटा ली फटाफट से। तो बताओ मेहनत करवाओ क्या, मुझे नहीं पता, मेरे को इसके पीछे मैं अपना कुछ कमेंट नहीं लेना चाहती, बट ऐसा है कि दो भाई थे वो और दोनों की जॉब लगी थी सेम, तो उससे मेरे को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता है कुछ ऐसे इसमें अप्रोच वाला केस हो, बिकॉज एक ही घर में दो लोगों की जॉब लगना थोड़ा है ना वो वाला केस, और फिर ऐसे लोग अपना हाईलाइट नहीं करते। जैसे एक स्टूडेंट थे मेरे गुरजोत, उसकी 6th रैंक आई थी तो उसका पिक्चर लगा भी हुआ ऐसे, और वो पता भी है हमें कि उसने अच्छे से पढ़ा है तभी उसको जॉब मिली है, अब उनका हमारे से कोई टच नहीं था। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी हमसे बात भी नहीं करी, लेकिन हमें नाम पता था कि हमारे पास एडमिशन लिया हुआ स्टूडेंट,
तो मे भी हो सकता है अगर एक ही घर में से दो लोगों की जॉब लग गई तो इसका क्या आएगा आंसर. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. कैसे करना मैं क्वेश्चन कराती हूँ उसमें क्या करना है डेल्टा टी एफ 0.5% एक्वस सॉल्यूशन है मतलब क्या होगा इसका मास ऑफ केसीएल इज इक्वल टू 0.5 और वॉल्यूम जो है दैट इज 100 मोलर मास ऑफ केसीएल कितना होगा मोलर मास केसीएल का कितना होएगा दिस इज 74.5 ठीक है. अच्छा अब एक्वस सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है ना तो 0.5% है तो इसका क्या मतलब है 0.5% solution का मतलब है 0.5% KCl in 100 gram of solution. यही होता है ना इसका मतलब. तो water कितना आ गया? That will be 95.5 gram. ये समझ आया सबको? 5% aqueous solution का मतलब 0.5% KCl in 100 gram of solution. तो water कितना आ जाएगा? 95.5 gram. मैम 95.5. 99.5. मैम ये नहीं समझ आया. 0.5% aqueous solution इसका मतलब होता है 0.5 KCl in 100 gram. ये हमने जो mass by mass percentage वाली वो की है वहां से आएगा 0.5% aqueous KCl का मतलब होता है 0.5 gram of KCl in 100 gram of solution. तो solution अगर 100 gram है उसमें 0.5 gram KCl है तो 100 minus 0.5 कर दोगे तो water will be 99.5 gram. सब्स्टिट्यूट करो इसको. -0.24 डिग्री सेल्सियस नहीं डेल्टा टी तो कितना आ जाएगा 0.24 ही आएगा. आयोटा कितना 2 ठीक है. आयोटा तो मैं निकाल रहे केएफ कितना 1.86 मैम नन ऑफ हो जाएगा इसका आंसर ना आंसर नहीं है. मोलर मास कितना आएगा कितना आ रहा है आंसर नन ऑफ दिस आएगा क्यों क्या आ रहा है इसका आंसर सॉल्व करके देखो इसको नन ऑफ दिस पता नहीं क्या आंसर्स है तो ये मास से कितने वाले वैसे आंसर की रिलीज करते हैं ऐसे ऑफिशियल साइट पे पेपर भी मेरे को लगता है स्टूडेंट्स ही मिले सारे. सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है आंसर नहीं आएगा मैम नॉट दिस मैम ये माइनस क्यों आपने रिमूव किया 1.92 आ तो रहा है. हां जी बताओ क्या दिक्कत है मैम वो टेंपरेचर का पूछना था वो माइनस नहीं आएगा आगे. अच्छा देखो ऐसा है ना दिस इज द कि वो अब इतने पे फ्रीज हो रहा है डेल्टा टीएफ हम क्या लेते हैं दैट इज टी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन तो ये तो सॉल्वेंट का जीरो है जीरो माइनस माइनस यहाँ पे जब भी हम लेते हैं तो माइनस नहीं आता क्योंकि ये टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट जीरो जीरो में से जब ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाए. ओके और बताओ किसी को कुछ डाउट आंसर आ रहा है 0.19 1.92 मैम पहले हमने किया था टी सॉल्यूट माइनस टी सॉल्यूशन तो एज ए नीड हम सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं सॉल्यूट की जगह पे सॉल्यूट कर लाया है कि मैंने गलती से सॉल्यूट लिखा होगा आई थिंक 1 सेकंड के लिए बट मैंने सॉल्वेंट कर दिया.
if you have time we can solve further questions, if you don't have time to I'll send in the group, wo solve karke answer bhej dena uske, theek hai? एक क्वेश्चन के मैं फटाफट से उसकी ना मैं सिर्फ अभी शॉर्ट में स्टेटमेंट बता रही हूँ। कल मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बोला था हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। मैं पूरा डिटेल में स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, अभी के लिए बिकॉज टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। क्वेश्चन इधर ध्यान दे दो पहले, नोट मत करना, मैं पूरी स्टेटमेंट भेज दूंगी, सुनने में ध्यान दे दूंगी इसका। ये दो सॉल्यूशन दिए हुए, ये दो सॉल्यूशन दिए हुए आपको, इन्होंने बोला हुआ है कि इनको दो साइड ऑफ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के रखा, इधर क्या रखा उन्होंने ग्लूकोज और इधर उन्होंने रखा यूरिया। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर बताना इसका। ये बताया एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के इधर उधर रखे हुए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन आर ग्लूकोज यूरिया की तरफ जाएगा, ग्लूकोज विल गो थ्रू यूरिया साइड, यूरिया विल गो टू ग्लूकोज साइड, नो नेट मूवमेंट एंड नन ऑफ दीज। क्या आएगा इसका आंसर? ए, नो नेट मूवमेंट आएगी मैम, यूरिया टू ग्लूकोज मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना, गलत नहीं बताना मैम। ए होगा मैम, सी होगा। ओके ए बताओ क्यों होगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जो मोलर मास जो उनकी वो दिया हुआ है मोलैरिटी वो तो सेम दी हुई है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होगा, तो जिसका ज्यादा मोलर मास होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो इधर यही आप गलती कर रहे हो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। अब चाहे सी आप बोलो गिवन मास, मोलर मास, और फिर उसका मोलर मास, उसका गिवन मास, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, ये सब आ जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन सेम है। अब आप एक तो ये ले लो ग्लूकोज वाला, एक यूरिया वाला ले लो। अब मुझे ये बताओ क्या दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है? कुछ भी गिवन नहीं, मतलब टेम्परेचर सेम है, दोनों के लिए आर सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम तो है। माना कि इनका उसका मोलर मास ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आपने लेना यहाँ पे, क्योंकि अगर इसका देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लो कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने है, इसका जो गिवन मास है वो 180 ग्राम हो और मोलर मास कितना हो 180 ग्राम, तो कट करके कितना आ गया, 1 मोल आ गया ना। तो अगर इसका गिवन मास 60 हो, इसका मोलर मास 60 हो, तो कट करके 1 मोल आ गया। एट द एंड जो आपने चेक करना है वो आपने कंसंट्रेशन चेक करनी, आपको मोलर मास नहीं चेक करना। अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो कंसंट्रेशन चेक कर लीजिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन इक्वल गिवन है, तो अगर कंसंट्रेशन इक्वल है इस और इस साइड पे तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। मैम अगर कंसंट्रेशन अलग होती इधर तो हाँ, तो फिर कंडीशन गिवन होती भी ऑस्मोसिस हो रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, तभी चलता ना पता किधर मूवमेंट हो रही है। नहीं नहीं, अगर अगर बेसिक सा ऐसा क्वेश्चन है ना तो ऑब्वियसली ऑस्मोसिस हो रही है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस तो हम कराते हैं, ये तो स्पॉन्टेनियस फ्लो की बात हो रही है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होएगा तो आपको हमेशा ऑस्मोसिस बताना। मैम अभी जो आपने मेंशन किया है अगर 0.2 होगा यूरिया का, तो यूरिया से ग्लूकोज में मूव करेगा ना, 0.2 कम हो जाएगा, 0.1 ज्यादा होगा, तो यूरिया टू ग्लूकोज। हाई से लो मूव कितना मूव करता है हमारे पास, लो से हाई या हाई से लो? मैम लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई, अगर ये स्टेटमेंट होगा 0.1 से 0.2, सो द सॉल्यूशन ऑलवेज मूव फ्रॉम सॉल्वेंट ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके, सो इसका आंसर सी आए। अभी यू कैन लीव द क्लास, जिसको कोई डाउट है, जिसको अभी भी कोई डाउट है रुक के चाहे जितनी मर्जी देर पूछ लो, लेकिन ये कांसेप्ट्स अपने क्लियर कर लो, बिकॉज़ इस पे से क्वेश्चन आता है पेपर में पक्का। मैम लो टू हाई मैं उधर चलेगी, मतलब जीरो से नीचे जाते हैं तो 0.1 जो है थोड़ा बड़ा होता है, 0.2 मतलब। अच्छा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जीरो बड़ा होता है कि 0.2 0.1 बड़ा होता है? हाँ अगर इसमें देखे तो 0.2 बड़ा होगा ना 0.1 से। नेगेटिव वाले भी बोलते हैं कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। मैं उधर ही चली गई, ये जीरो से बड़ी टर्म्स है, छोटी नहीं है। मैम फिर बाकी के आप क्वेश्चन सेंड कर दोगे? हाँ मैं अभी कर देती हूँ सेंड।
ओके मैम थैंक यू. नो नेट मूवमेंट क्या, जैसे हम लो से हाई कंसंट्रेशन का कह रहे हैं तो फिर ग्लूकोज से यूरिया वाला आंसर नहीं आएगा. नहीं नहीं ये तो मैंने स्टेटमेंट चेंज करी, जो आपके पेपर पे क्वेश्चन आया हुआ दोनों ही पॉइंट वन मोलर थे तो उस केस में क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट. ओके ठीक है मैम, मैं वो पॉइंट टू के अकॉर्डिंग देख रही थी ना. अगर पॉइंट टू होगा तो फिर ग्लूकोज से यूरिया. ठीक है मैम थैंक यू मैम. और किसी को कुछ भी डाउट मैम? जो अपने ऐप में नोट सेक्शन में दो असाइनमेंट्स सॉल्यूशन की हुई है वो भी करनी है? सॉल्यूशंस के असाइनमेंट हां जी को तो सॉल्व करनी है असाइनमेंट्स तो मैम कर दी अटैच. पर मैंने कब से कर दी, मैंने आपको बोला ऐप में चेक नहीं करा ना कभी खोल के, तो मैंने उसी दिन कर दी थी लास्ट टाइम ही. मैम मैंने जब भी ऐप खोलता हूँ ना उस पर पहले तो एरर आ जाता है, फिर उसको बैक जाके दोबारा करना पड़ता है, इसलिए मैं कहता छोड़ो. बोला ना ये गुस्सा ना ऐसे मैसेज में लिख के मेरे को सेंड करना ताकि मैं फॉरवर्ड कर दूँ, तो खुद ही बहुत परेशान हो चुके हैं आपसे. और मैं कॉल कट करूँ 50 मैसेज आ रहे होंगे मैम ऐप नहीं चल रही, ऐप नहीं चल रही, ऐप नहीं चल रही, ऐप नहीं चल रही. गुस्से में पहले ये दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ी ज्यादा आ रही है. मतलब जब भी करते हैं ना पता नहीं को क्या आ जाता है, उससे परमिशन चाहिए, बैक जाओ दोबारा करो फिर चल जाती है. ये सेम आ रही है, ये सेम ये प्रॉब्लम हमें भी आ रही है, मेरे फोन में भी ऐसी होता है. चलो ये ऐसे है वो सॉर्ट आउट तो करना. एक्चुअली जो आप वाले देखते थे ना वो किसी टीम को किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कंपनी में जो अच्छे वाले सर थे उन्होंने जॉब छोड़ दी, बट मैम है उनका कुछ ज्यादा सा हमें लग नहीं रहा सिस्टम का. बस मैम इसका तो यही सलूशन है, जिसकी ना ऐप होती है उसे फोन लगा के रखे रखो और तो कोई बात नहीं है. बस वो बहुत ऐसे टेक्निकल इश्यूज बहुत है, हम तो खुद परेशान है इसीलिए बोलते हैं लंबे लंबे मैसेज करके भेजा करो गुस्से में. एक तो पता नहीं क्या होता है, मतलब ना अपडेट वैसे ही कर देते हैं, सही चल रहा होता है, जब आपका अपडेट वर्जन आ जाता है तब बहुत दिक्कत आती है उसके बाद तो. हाँ ये है ना क्योंकि कल अपडेट हुआ तो उसके बाद से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बाद प्रॉब्लम आ रही है कि लर्न इट इन अ फिजिकल डिवाइस. मैम जो इन्होंने अपडेट करी है ना वो नीडिंग थी, क्या जो अपडेट मैं जो अपडेट्स करी है ना वो जरूरतमंद थी, क्योंकि जो पहले था ना ज्यादा हॉजपॉज था, अभी इन्होंने किया जैसे ही मास्टर कैडर क्लिक करेंगे तो हमारे चारों पांच सब्जेक्ट आते हैं जिसको जो ओपन करना है वो हो जाएगा. पहले ज्यादा हॉजपॉज था, अभी इन्होंने दोबारा अपडेट इसलिए किया बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए, वो भी काफी सपोर्टिव चीज है. अच्छा वो जो वो करते हैं ना बोल रहे मास्टर कैडर कॉलेज कैडर ये ऐसे वैसे, वो हम करते हैं जो ये अपडेट वगैरह वो नहीं करते, ये जो सेक्शंस बनाते हैं कि ऐसे वैसे वो सारे हम बनाते हैं. ओके मैम हमारे लिए तो वैसे स्पोर्टिव ही है दोनों चीजें दोनों बार. चलो एक दो दिन में दिक्कत आएगी, लाइफ वालों को तो आपकी ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं. और कुछ किसी का डाउट या कर दूं मीटिंग क्लोज? थैंक यू मैम. चलो बाय बाय. थैंक यू मैम. ओके.